बीकापुर शहर की बदहाल सड़कों को सुधारने की मांग को लेकर उच्च विश्राम गृह में छात्र संगठन ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण पूरे शहर की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। कई बार सड़क की मरम्मत को कराने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर के कुछ सड़कों का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण से दिक्कत हो रही है। हमने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है गड्ढे की वजह से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बरसात के समय में गड्ढों को भरने का पीडब्ल्यूडी को आदेशित रहता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने ना तो गड्ढे भरे हैं, दूसरा इन्होंने हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने ई रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चालू कराई थी यूथ को, खास करके बेरोजगार युवकों को लेकर के, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। इनका शहर के अंदर जो गड्ढे भरने हैं उनकी मुख्य मांग इनकी बनारस रोड जो बहुत ज़्यादा खराब है उसको जल्दी कराना, और क्या कहते हैं जो आपकी दरिमा रोड है उसमें जो धूल उड़ रही है उसको जल्द से धूल से मुक्ति दिलाना, ये उनकी मुख्य मांग है।